अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको विंडो के करने के लिए विदाउट सीडी के आप अपनी यूएसबी को, पेन ड्राइव को, अपनी फ्लैश को कैसे आप बना सकते हैं बूटेबल, ये आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना चाहते हैं, इसके लिए कोई आपको है बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप खुद बनाएंगे और उसके बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बैठते ही खुद ही अपने सिस्टम को क्या कर सकेंगे कि विदाउट सीडी के परचेज किए आप उसको बूटेबल बना सकेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रही है, ये इसकी आईएसओ फाइल है, विंडो 10 की 64 बिट वाली की। ये क्या है कि आईएसओ फाइल है जिसकी हमने विंडो का इमेज बनाना है। दूसरी तरफ ये है मीडिया क्रिएशन टूल। ये टूल बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब हमारे पास आईएसओ फाइल ना हो, हम विंडो डाउनलोड करते हैं तो उसको आईएसओ कैसे बनाते हैं, उसके लिए मीडिया टूल क्रिएशन टूल इस्तेमाल होता है। जबकि रूफस, ये मैं तो रूफस इसको कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, रूफस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो बूटेबल बनाएगा हमारी यूएसबी को। आइए हम पहले क्या करते हैं कि रूफस को इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, मैंने डबल क्लिक किया और यस का ऑप्शन आया है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हमने किसको ऑप्शन बूटेबल बनाना है। आपने अपनी वो डिवाइस चूज़ करनी है, वो अपनी पेन ड्राइव चूज़ करनी है, जहाँ आप क्या करना चाहते हैं, विंडो अपनी बूटेबल रखना चाहते हैं। अब इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी खुद ब खुद वैसे सेलेक्ट कर लेता है पेन ड्राइव को। अगर मोर देन वन ड्राइव हो पेन ड्राइव की, या मोर देन टू या थ्री आपके पास पेन ड्राइव लगी हो, तो उनमें से आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, ये खुद ब खुद इसने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो मकसद आपका है वो चूज़ करना है। यानी हम डिस्क को आईएसओ इमेज के लिए सेलेक्ट करना है ये वाला। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपने जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आईएसओ फाइल हमारे पास मौजूद थी तो हम वहाँ चले जाते हैं। ये देखें, आईएसओ फाइल हमारे पास मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब ये आ गया, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन है या विंडो टू गो है, ये जो ऑप्शन आपने देखने हैं इनमें से। अगर आपने अगर विंडो इंस्टॉल करनी है नहीं, तो उसके लिए यही ऑप्शन आएगा। जबकि विंडोज़ टू गो का मतलब यह है कि अगर आपका सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है, उसको आप क्या करना चाहते हैं, वक्ती तौर पर चला के कोई फाइल फौरी तौर पे उठाना चाहते हैं, अपने आपके पास टाइम कम है, तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पार्टीशन स्कीम MBR या GPT जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके सिस्टम से मैच करते हो, उसको आपने चूज करना है। देखें MBR नॉर्मली क्या है, MBR ओल्ड के लिए है और वो जो मौजूदा नए सिस्टम हमारा उनमें आ रही है। और उसका अब वो कहते हैं वॉल्यूम का आपने नेम क्या रखना है, वॉल्यूम लेबल ये लग जाएगा, यहाँ से आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल सिस्टम आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जस्ट यानी आपका पिछला डाटा रिमूव हो जाएगा, तो बिल्कुल हमें कोई मसला नहीं, ओके करेंगे। और उसके बाद ये हमारा क्या हो गया कि मतलब वो विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा वेट करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट एक आध मिनट आपको वेट करना पड़ेगा और ये हमारी रेडी हो जाएगी यूएस में। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, इसे अब आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी विंडो खुद घर बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।